Sacha. Hi, I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Okay. तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं उस वीडियो के बारे में इसको नहीं पता, मुझे पता है, ये मैंने ऑलरेडी सुन लिया है, ऑलरेडी पता है मुझे इस सॉन्ग के बारे में. सो मैंने नाम भी फर्स्ट टाइम सुना. मैं इस गाने के बारे में आगे ज्यादा बताना नहीं चाहूंगी, हम गाने के बाद बात करेंगे. इस गाने का नाम है गलतफहमी एंड दैट इज बाय असम अजहर. सो आई नो आप लोग जानते हैं मैं क्यों इस गाने के लिए इतनी खुश हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ऐसा क्या हो गया इस गाने में यार? Already in love with this song, ठीक है? मैंने सुना है. Maybe maybe not. नाम तो मैंने first time सुना है गलत फहमी. गलत फहमी, ठीक है? So guys, तो अब बढ़ते हैं गाने की तरफ. ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है. कोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है. रस्ती है निगाह मेरी तकती है राह तेरी चाहिए बनाए तेरी ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आगे मेरी कटती नहीं रात मेरी जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है सब है दिखावे झूठे पहरावे एक ही कदम रस्ती है निगाहें मेरी तकती है राह तेरी चाहिए पनाह तेरी ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आगे मेरी कटती नहीं रात मेरी Now tell me.
मुझे एक ने बताया तरसती है निगाहें है। आई थॉट ये कौन सा गाना है गलत फहमी जिसके लिए ये इतनी ओवर एक्साइटेड है, लाइक ये गाना किसने, लोग पागल हो चुके हैं इस गाने के पीछे। इंस्टाग्राम पे हर रील में सिर्फ और सिर्फ यही गाना दिखता है यार, ऑफ कोर्स लोग इतने पागल हैं, इतने पागल हैं इस गाने के पीछे। एंड ये पार्ट स्पेशली ये जो सूफी कवाली टाइप का पार्ट है, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। गलत फहमी रॉन्ग नेम है यार, इसका नाम तरसती है निगाहें होना चाहिए, बिकॉज एंड इमेजिन ये 2019 का सॉन्ग है एंड अब कोई उठा के इस गाने को लेकर आया है और ये गाना यस ये 2019 का है। आई थॉट रीसेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि एक ही साथ सबके सबके रील्स पे इंस्टाग्राम IGTV पे सब पे सिर्फ यही गाना दिखता है। असम अजहर की आवाज, वो जो कोरस था, आई लव इट। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि ये असम अजहर का गाना है या फिर इस गाने का नाम गलत फहमी है। What a beautiful song, not so just the chorus. Beautiful, the... क्या lines किस तरह लिखी है? बड़ा दर्द एक line, यार। मतलब हर line में अगर हम video के बीच बोलते थे, हम यही बोलते थे सच है यार। How true? Very true. वो तो How relatable? हमें video के बीच में interrupt नहीं करना था, इसलिए हम बोले नहीं, because हर line के बाद हमारा एक ही reaction था, सही बोल रहा है यार, बंदा तो सही बोल रहा है। इतना इतना relatable है। I think this is one of the major reason कि इतना ज्यादा ये गाना चल रहा है, because people can relate to it. I think जो भी गाने हिट होते हैं कहीं ना कहीं हम सब आप और हम इसको रिलेट कर पाते हैं अपनी निजी लाइफ में, इसलिए हम ये गाने को इतना पसंद करते हैं। इसका कोरस, the beats it has, क्या पीछे तबला है, क्या सब कुछ है, सब कुछ है यार। मेरे को तो मतलब ये सॉन्ग जितना भी सैड हो, ये सॉन्ग हम सुनते हैं एक स्माइल के साथ, वो पार्ट इतना अच्छा है, बहुत प्यारा गाना है यार। वो कोरस तो आई एब्सोल्युटली लव इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, मतलब जब से हम इंस्टाग्राम पे रील्स में देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, आई लव दिस पार्ट। लेकिन आज पूरा गाना मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे नहीं पता था ये गाने का नाम गलत फहमी है, कब से मुझे बोल रही थी मैं इसको रिएक्ट करेंगे, आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट इज दिस सॉन्ग। लाइक हमने जब लास्ट रिकॉर्ड किया था उसके बाद मुझे पता चला, मैं तब से इसको बोल रही हूँ कि हम इस पे रिएक्ट करने वाले हैं, और लेकिन ये गलत फहमी कहाँ है, हमें कोई रिकमेंड नहीं किया है, मुझे बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन मैडम को करना था, मुझे दिखाना था, लेकिन थैंकफुली मैंने देखा, लाइक वाओ, मुझे लगा होगा कोई ऐसे वैसे गाना, तो सब लोगों को ये एक्स्ट्रा पार्ट भी सुनना चाहिए, एक्सेप्ट दी, आप सबको पता होना चाहिए गलत फहमी गाने का नाम है और तरसती है निगाहें वो गाने का कोरस है। वही हम, मुझे तो लगता था इस गाने का नाम ही तरसती है निगाहें होगा, सबको वही लगता था। फिर एक दिन अच्छा अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि ये क्या है गाने का नाम, और हम लोग सोच रहे थे, फिर हम लोग ने देखा कि इस गाने का नाम गलत फहमी है, और हमने देखा आगे सिंगर्स का नाम, एंड वी रियलाइज कि ओके वेट, ये सॉन्ग इतना अमेजिंग है, हमने इतनी बार ऑन रिपीट सुना है इस गाने को विदाउट रियलाइजिंग इट। आई थिंक ये गाने का खास बात ये है कि आई थिंक जो जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं सबने सुना ये गाना, लेकिन किसी को, आधे लोगों को, किसी को ये 2019 में इतना गायब कैसे चला गया, लाइक जितना ये अभी हिट कैसे नहीं हिट गया, मे बी यही रीजन होगा, हाँ लोग तो यूज कर ही रहते हैं। वाओ एब्सोल्युटली लव्ड इट, इट्स नेवर टू लेट, और ये गाना थैंक रिचा, ओके थैंक रिचा, उसने आपको बताया गाने का नाम क्या है, कर ले। इतना अच्छा गाना, इतना प्यारा था यार, मतलब इसकी हर लाइन, स्पेशली वो जो फीमेल वॉइस आती है, सारे लाइंस लिटरली, वो एक एक लाइन जब सुनने बैठे ना, इतने वो दिल पे लगते हैं, हाँ यू नो यू कैन फील इट, जो प्यार से वो गाया गया है, द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, उनकी वॉइस तो है ही अच्छी, लेकिन The way it has been sung is so amazing. मतलब honestly ये गाना इतनी बार सुन लिया, और ये गाना सिर्फ relate करने में इतना चला जाता है, मुझे आज तक उसके lyrics learn नहीं हुए, मेरा line जाता है ऐसे, तरसती है निगाहें ना 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 ना, पूरा गाना वैसे चला जाता है कि ये गाना, because you get the feels, मतलब आधे से ज्यादा songs में होता है कि हमें feels इतने ज्यादा आ जाते हैं गाने में, that you forget about the lyrics, क्योंकि आधे songs में, in fact कोई भी ऐसे songs उठा, वही उनको बहुत time सुनते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप lyrics देखो, अगर आप lyrics देख लेते हो तो आपको समझ जाएगा, इसीलिए
हमने ये वीडियो चूज किया ताकि इजीली हम समझ पाए, इसलिए आप लिरिक्स भी देख लो और आप मुझे पता था इस डंप को नहीं समझेगा तो वो सब लोगों को डंप बोल के जिसको जिसको नहीं पता नहीं देख लो इसको लिरिक्स ऐसे ही नहीं समझता इतना बना के बोलो बोलो बना के बोलो दिमाग नहीं चल रहा है ओके बोलो बोलो सॉरी सॉरी गाइस हड्डी पहलवान दीपिका मोड चालू हो गया था कुछ ज्यादा ओके तो एनीवेज हाँ बोलो बोलो ओके जिनको भी पता था मुझे पता आप भी मेरे से तो खुश हो रहे होगे कि इसको ये गाना नहीं पता था अब ये सुनने वाली और जिनको नहीं पता था यू आर वेलकम दीपिका ने आप सबको डम बोला मुझे पता है ये इतने देर इन ट्रेंड रहने वाला और ये ट्रेंड से जाने के बाद में भी लोग सुनते रहने वाले हैं क्योंकि इट्स सो अमेजिंग और लोगों ने जिस वे में इस पर लाइक रील्स बनाए हैं जो इसको वीडियो दिया है अलग अलग वेज में लोगों ने अपने अपने क्रिएटिव वेज यूज किए हैं ये गाना और भी इतना अच्छे से यूटिलाइज किया गया है इस गाने को तो दैट मेक्स द सॉन्ग मोर स्पेशल बिकॉज वो रील्स के वजह से वो अलग अलग वे में उसको प्रेजेंट करने के वजह से मतलब यू नो एट टाइम्स यू फील अच्छा ये गाना यहाँ पे भी यूज हो सकता है मतलब ये गाना इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक कपल है उनको लेके हम ये गाना सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ रील्स बिकॉज ऑफ पीपल्स क्रिएटिविटी इतना नजरिया चेंज हुआ गाने को लेके लोगों को हर मतलब इस गाने के लिए इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले हैं हैप्पी मिला है सैड मिला है बहुत अलग अलग मिला है सब कुछ सो थैंक यू टू आसिम अजहर आपने इतना प्यारा गाना हमें ला के दिया यस लेट से थोड़ा लेट हम सबको आसिम अजहर की आवाज बहुत ही प्यारी एकदम मेरे जैसी मिश्री जैसी मिश्री जैसी एकदम अच्छी सी हमने गाने सुने आसिम अजहर के एंड आसिम अजहर इज वन ऑफ दोज जिसकी हम नाम नहीं भी पढ़े ना हम अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी आवाज हमें उनकी आवाज थोड़ी पहचान में आने लगी है बिकॉज हम थोड़े बहुत उनके सॉन्ग सुन चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई नो आप लोगों ने रिकमेंड नहीं किया लेकिन ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है आप देख लो आपको पसंद आएगा जैसे हमेशा कमेंट्स में बोलते हैं प्लीज प्लीज रिएक्ट टू दिस आई एम टेलिंग यू प्लीज प्लीज वॉच दिस यार वॉच दिस प्लीज बहुत अच्छा यार क्योंकि ओके नहीं ओके सो रिचा एंड उसकी बकबक नहीं शांत हो सकती ये गाना मुझे पता है किसी की बकबक गुड बाय बाय गाइस बाय टेक केयर ध्यान रखिए वॉच दिस ओके प्लीज बट ये बस एंडिंग में आएगा क्लिप Okay, thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. Bye guys. Bandi.